जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम महावीर मंदिर से कर रहे हैं। यह मंदिर पटना का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पर भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य है और बहुत ऐतिहासिक है। आप जब भी पटना आए तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए। आप यहां पर आकर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर सच में बहुत अद्भुत है। अभी आप देख रहे हैं पटना का एक बहुत ही फेमस ब्रिज गांधी सेतु। यह ब्रिज गंगा नदी पर बना हुआ है। यहां पर अभी छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना में हर जगह आपको इस समय छठ की रौनक दिखाई देगी और सभी जगह छठी मैया के गीत सुनाई देंगे, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब भी पटना आए तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आए। इस ब्रिज को काफ़ी डेवलप किया गया है। यहाँ पर मरीन ड्राइव भी बनाया गया है, जिसके कुछ क्लिप्स हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर काफ़ी फूड के स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो सभी लोग वहाँ पर यहाँ का लोकल फूड भी एंजॉय करते हैं। आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। पटना में छठ की अभी काफ़ी रौनक दिखाई देगी। यहाँ पर छठ का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ के गीत को सुनकर और यहाँ का इस समय का माहौल जो छठ की तैयारियों से बहुत ही सजा हुआ है, बहुत ही रौनक यहाँ पर मार्केट में दिखाई दे रही है, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। छठ के गीत सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर पटना नहीं आए हैं तो एक बार पटना आए। पटना काफ़ी अच्छा सिटी है, यहाँ पर घूमने के लिए भी काफ़ी कुछ है। तो आप ये व्यू स्टेशन के पास का है, जहाँ पर पास में ही महावीर मंदिर बना हुआ है। महावीर मंदिर, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक पटना का एक बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। तो आप जब भी पटना आए तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। हनुमान जी की दो मूर्तियाँ हैं, एक मूर्ति संकट मोचन हनुमान जी और दूसरी मूर्ति मनोकामना पूर्ण हनुमान जी की है। इस मंदिर में ऊपर के फ्लोर में राम जी की भी बहुत ही अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। तो आप भगवान राम जी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये मूर्ति ऊपर के फ्लोर में माता रानी का भी वहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है। आप माता के भी दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण भगवान जी की भी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है। आप भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हनुमान जी की कितनी अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। यह मंदिर सच में बहुत ही अलौकिक है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही फीलिंग्स का अनुभव होगा। अभी यहाँ पर आरती से पहले का ये दृश्य है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्त लाइन में लगे हुए हैं और भगवान के हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भक्त घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन करने के लिए आते हैं। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अलग ही आनंद का अनुभव करते हैं। इस मंदिर में और भी कई सारे फ्लोर बने हुए हैं, जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर पटना का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। तो यहाँ पर भक्त हमेशा यहाँ पर आना चाहते हैं और लोग यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठते भी हैं, जिससे उन्हें बहुत ही अलग सुकून का अनुभव होता है। यहाँ पर दीवारों पर रामायण की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं।
यहाँ पर लोग सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं और हनुमान चालीसा भी भक्त यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं। अभी आप ऊपर के फ्लोर का दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर भगवान शंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पर शिवलिंग भी है। यहाँ पर भक्त पूजा करते हैं और यहाँ पर पंडित जी से आप पूजा करवा भी सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शंकर भगवान की कितनी बड़ी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर और भी भगवान माता रानी सबके प्रतिमा स्थापित है। आप सभी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर पटना स्टेशन के पास में ही बना हुआ है। आप पटना आते हैं तो यह मंदिर आपको दूर से ही दिखाई देने लग जाएगा। आप यहाँ पर ज़रूर आएं और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर एक अलग ही आनंद का अनुभव करें। यहाँ पर प्रसाद काउंटर भी मंदिर प्रांगण में ही बना हुआ है। यहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है जिसे नैवेद्यम कहा जाता है। यहाँ का प्रसाद सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत सात्विक तरीके से यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है तो आप यहाँ से प्रसाद भी ज़रूर खरीदें। यहाँ पर फूल माला के लिए भी काउंटर बना हुआ है तो आप फूल माला भी मंदिर प्रांगण से ही ले सकते हैं। आप जैसे ही मंदिर में एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पर पानी के लिए नल लगा हुआ है जहाँ पर आप हाथ मुंह धोकर मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और बगल में ही शू काउंटर भी बना हुआ है जहाँ पर आप जूते चप्पल को जमा करके मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस मंदिर में पास में ही पार्किंग भी बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर आप अपनी कार से आते हैं तो यहाँ पर अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पास में ही पार्किंग है तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। पटना स्टेशन भी बहुत अच्छा बना हुआ है तो आप पटना आए, यहाँ पर घूमें। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अभी डेवलपमेंट का काम हो गया है। यहाँ पर घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कि मरीन ड्राइव जो हम अभी आपको इस वीडियो में जिसकी कुछ क्लिप्स दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोग घूमने के लिए आते हैं। महावीर मंदिर एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मंदिर प्रांगण काफी बड़ा है। मंदिर प्रांगण में ही एक ज्योतिष केंद्र भी स्थापित है। भक्त काफी दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर सच में बहुत ही भव्य और अद्भुत है। इस मंदिर में आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आएं। अभी आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव का व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवनिंग में बहुत सारी लाइट्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत सारे फूड के स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ का लोकल फूड एंजॉय करते हैं। यहाँ पर फूड की काफ़ी सारी वैरायटी है तो आप यहाँ पर आएं और यहाँ का फूड एंजॉय करें। यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटी बनाई गई है तो अगर बच्चे भी आपके साथ यहाँ पर आते हैं तो वो भी काफ़ी यहाँ पर एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए आप यहाँ पर टॉय भी परचेज कर सकते हैं और भी बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ है जो बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं। और बड़ों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं और यहाँ का फूड आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से गांधी सेतु का व्यू भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। वहाँ पर लगी हुई लाइटें रात में बहुत अच्छी दिखाई देती हैं।